भाई और बहनों, 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर के इस सफर को आसान बनाने के लिए हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। बीते वर्षों में स्वच्छता के लिए देश के हर नागरिक ने जो योगदान दिया है, उसे स्वस्थ भारत बनाने की हमारी कोशिश को बल मिला है। हर घर को शौचालय से जोड़ने, हर जगह स्वच्छता रखने भर से ही बीमारियों में कमी देखने को मिल रही है। रिसर्च बताती है कि स्वच्छता के कारण हर परिवार के स्वास्थ्य से जुड़े खर्च में भी कमी आई है। ये बचत उस परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करने में काम आ रही है। साथियों, स्वच्छ भारत बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना भी बहुत मददगार सिद्ध हो रही है। देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। अब तक लगभग समय बहुत कम हुआ है, लेकिन इतने कम समय में लगभग 32 लाख गरीब मरीजों को अस्पतालों में इसका लाभ मिल चुका है। मुफ्त इलाज के साथ साथ देश के गांव गांव में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इससे गांव के पास ही उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी, जिससे सामान्य परिवार की बचत और बढ़ेगी। यही नहीं, क्या हो गया भाई? बड़े उत्साही वॉलंटियर दिखते हैं। बैठे बैठे, हाँ साथियों, यही नहीं, योग और आयुष के उपयोग को बढ़ावा देने से भी स्वास्थ्य के खर्च में कमी आ रही है। योग और आयुष का जिस स्तर पर हम प्रचार कर रहे हैं, उससे हेल्थ टूरिज्म की दृष्टि से भी भारत अहम सेंटर बन रहा है। भाई और बहनों, स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से तो है ही, सुंदरता से भी है। जब देश सुंदर होता है तो टूरिज्म भी बढ़ता है। यहां काशी में भी स्वच्छता और सुंदरता का लाभ हम सभी को देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं मैं हूं इसलिए बताएं, ऐसा नहीं, ऐसे बताइए कि देशवासी सुन रहे हैं आपको। मिल रहा है? देखिए, गंगा घाट से लेकर सड़कों और गलियों तक में साफ सफाई के कारण यहां आने वाले पर्यटक बेहतर अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही काशी की हरियाली को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ मुझे भी वृक्षारोपण का अवसर मिला है। यहां हरियाली बढ़ने से काशी की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इससे यहां के पर्यटन को और गति मिलेगी। जब पर्यटन बढ़ता है तो भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, रोजगार का निर्माण होता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं होती है। आजकल होम स्टे का जो एक नया कल्चर बढ़ रहा है, और मैं तो मानता हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस के समय काशीवासियों ने, लोगों ने अपने घरों में रखने के लिए, मेहमानों के लिए जो माहौल बनाया था,
अब उसको कॉमर्शियल रूप दिया जा सकता है। एक प्रकार से लोग आए रहें, कमाई भी हो, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, काशीवासी बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो काशी में महीना महीना भर रहने के लिए आना चाहते हैं, तो काशी में तो एक बहुत बढ़ावा मिल सकता है। आजकल होम स्टे का जो नया कल्चर बढ़ रहा है, उससे भी रोजगार और कमाई के नए साधन बन रहे हैं। यानी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टूरिज्म का बड़ा रोल रहने वाला है।